ईशा 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 नहीं, ईशा आपका भी नाम नहीं है, प्रिंस शायद आपका नाम, प्रिंस आपका नाम तो है। ठीक है, प्लीज आप लोग जब भी आओ क्लास में एक बार अपनी अटेंडेंस को उसको मेंटेन रखिए, बिकॉज दैट इज नाउ इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें मेंटेन रखना है कि क्लास में कितने बच्चे रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। चलिए जी, जस्ट वन सेकेंड, ये रही हमारी स्लाइड। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है हमने? एनिमल किंगडम। कहाँ तक और क्या क्या पढ़ लिया है हमने इस चैप्टर के अलावा? हमने पढ़ लिया है मैम कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वॉट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर से भी ऊपर क्या, उनके कौन से हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए, राइट? उससे आगे अगर आप बढ़ो, पहले चैप्टर में हमने ये सब देखा, दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया है, पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने कर दिया है मैम क्लासीफाई। क्या कर दिया है? क्लासीफाई, जैसे हमने क्या कहा था, नॉमेनक्लेट कर दिया है हमने उन सबको, क्या कर दिया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पांच कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, राइट? कौन कौन सी थी? प्रोटेस्टा, मोनेरा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्लांटे। हमने उनमें से प्लांटे को पढ़ लिया और छोटो छोटो से पार्ट इन तीनों को भी पढ़ लिया था, करेक्ट? अब आज से हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है, दैट इज योर एनिमल किंगडम, जो कि अगेन आपको पता होना चाहिए कि काफी बड़ा चैप्टर है और काफी ज्यादा वेटेज भी लेता है अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो। कितने मार्क्स का? कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं इफ यू आर टारगेटिंग नीट। और 4 से 5 क्वेश्चंस का क्लियरली मतलब क्या होता है कि 16 to 20 मार्क्स। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते। चलिए जी, और चैप्टर भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बोरिंग भी। चलो, यही सब जो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, अब हम अगर आपसे बात करें कि इस चैप्टर की समरी, ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादा आपको चमक चमक दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो लगभग चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं इस स्लाइड को कभी भी रेज नहीं करती हूँ, बिकॉज ये स्लाइड अपने आप में आपको बहुत सारी चीजें बताएगी, बहुत ज्यादा चीजें। ठीक है जी, जस्ट एक सेकेंड, बस थोड़े बहुत पार्ट्स में मटा। देखो, इस जो चैप्टर है, आपको इसको याद करने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप डेली के डेली का टारगेट बना लो। आज भी इनफैक्ट हम लोग जब करेंगे तो हम सिर्फ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स ही खत्म कर पाएंगे। ठीक है, जो ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ना, हम सिर्फ इतना ही खत्म कर पाएंगे, फाइलम को टच भी नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में। माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट क्लास में भी ना कर पाए, बट कुछ स्टार्ट हो जाएंगे फाइलम। बट आपके लिए जो होमवर्क वाला पार्ट रहेगा, वो होमवर्क रहेगा कि डेली बेसिस पे आपको तीन फाइलम के 10 10 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने लोगों से ये काम हो जाएगा? थ्री फाइलम्स के, कोई भी थ्री फाइलम सेलेक्ट कर लो और स्टार्ट करो हमेशा जो हमारे स्टार्टिंग वाले होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाले से आप उन सबको लेके 10 10 पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है। और वही एक बेस्ट तरीका भी है आपको फाइलम को लास्ट तक याद रखने का। चलो जी, अब हम यहाँ पे एनिमल किंगडम पे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप एनिमल किंगडम की समरी देखो इस चैप्टर के बिगनिंग में, तो क्या कहता है ये एनिमल किंगडम चैप्टर कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया फाइलम के बेसिस पे किया, मतलब फाइलम्स, मतलब अलग अलग फाइलम्स में हमने उनको क्या किया, क्लासिफाई किया हुआ है। बट वो फाइलम्स में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को किन बेसिस पे डाला है, तो ये स्टार्टिंग के जो ये 6 हमारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं या कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने उस बेसिस पे डाला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आया हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल्स की, और एनिमल्स आपको पता है सेलुलर लेवल के हो सकते हैं। एक सिंगल भी जो है ऑर्गेनिज्म, ये हमारा सेलुलर लेवल का हो सकता है, ठीक है। फिर आता है, बट आपको ये भी पता होगा कि वो जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इट विल बी प्रेजेंट इन अ ग्रुप। तो सेलुलर लेवल, फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है टिश्यू। टिश्यू आप सबके सब जानते हो बहुत अच्छे से कि एक सिंगल सेल जब अपने जैसे बहुत सारे सेल्स के साथ मिलके रहता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। जो उनका का जिनका स्ट्रक्चर और सॉरी मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमली क्या होंगे, सिमिलर होंगे और एक ही जैसा काम कर रहे होंगे। पता पढ़ा है ना आपने टिश्यू का फुल फॉर्म? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स
हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, यही पढ़ा है हमने, हाँ मैम यही पढ़ा है। फिर आपने ये बात भी देखी होगी कि सारे के सारे जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गेन। ये वाली लाइन पढ़ी होगी आपने, आई एम 100% श्योर। सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, कौन ट्रेन में घूम रहा है या कूलर के आगे बैठा है कोई, तो ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों ने पढ़ा हो गया, और यही वाला पार्ट हमारा सबसे पहला पार्ट भी है। दूसरा है कि बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे, बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या, इसका हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दे दिया था। लास्ट क्लास में कैसे याद दिलाया था कि बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है मैम, जस्ट वन सेकेंड, अगर आप बात करोगे बॉडी सिमेट्री की, ठीक है, बॉडी सिमेट्री की, तो बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हम आरा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कैसी है कि हमारे, हम उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल से दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, इस बेसिस पे हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल, और अगर आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं देन इट इज कॉल्ड से असिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे कि अभी आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, स्पेशली जैसे स्पॉन्जेस होता है, कुछ ऐसे करके ऑर्गेनिज्म होता है वो, ठीक है, बहुत गंदा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या आप इसको कहीं से भी इक्वल पार्ट में काट सकते हो, नहीं काट सकते, ठीक है, इसको आप कट नहीं कर सकते इक्वल पार्ट में, बल्कि जब हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल में हमारे पास दो आते हैं, पहला आता है मैम रेडियल, ठीक है, दूसरा आता है बाइलेटरल। ठीक है, अब रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल को आप याद रखो रेडियस से, किससे मैम, रेडियस से, ठीक है, एक सर्कल का रेडियस कहाँ पे हो सकता है, ये अगर सेंटर है तो, सेंटर नहीं, रेडियस अगर सेंटर पे, तो ये इसका रेडियस हो सकता है, हाँ मैम हो सकता है, क्या ये इसका रेडियस हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये 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 ये, ये हाँ मैम ये सारे इसके रेडियस हो सकते हैं, करेक्ट, कोई भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, राइट। तो रेडियल सिमेट्री को हम कैसे समझेंगे, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है मैम कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड करते हैं ना तो वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, यहां से काटोगे तब भी बराबर, करेक्ट, यहां से काटोगे तब भी बराबर, 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 मतलब कहीं से भी किसी भी प्लेन से आप उसे काट लो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, बट बाइलेटरल सिमेट्री ऐसा नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री हमारा क्या कहता है बच्चा जी, कि मैम हमारे पास क्या है बाइलेटरल सिमेट्री, ये कि हम अब इसको कहां से काटेंगे तभी ये इक्वल पार्ट में कटेगा, बिल्कुल सेंटर है ना, क्या हम यहां से अगर काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में हुआ, मतलब चलो ये तो मैंने तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रायंगल बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये तो चलो ठीक है बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को बना दूं बाइलेटरल ट्रायंगल को, अब बताओ क्या कहीं और से इसका कोई पॉसिबिलिटी है इक्वल हाफ में डिवाइड होने की, नहीं, ये सब यही से होगा तभी इक्वल हाफ में होगा, मतलब क्या कि सिमेट्रिकल वाले में बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, वो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, बट कहां से, जस्ट फ्रॉम वन सिंगल प्लेन, ये जो लाइन है ना, ओनली फ्रॉम वन सिंगल प्लेन, ठीक है, ये आपको रटनी जरूरी है, ठीक है, इट कैन डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन, फ्रॉम एनी प्लेन, करेक्ट, ये बात लिख लोगे आप लोग, क्वेश्चन इस पे आप बनेगा तो आप कर लोगे, है ना, बिल्कुल कर लेंगे मैम। तो यही कहानी है हमारी सिमेट्री वाले पार्ट की, जो हम अभी इस चैप्टर में आगे भी देखेंगे, मैंने आपको एक जिसे कहते हैं ना समरी फॉर्म में बता दिया। दूसरा है मैम जर्म लेयर, जर्म लेयर के बेसिस पे इन्होंने कितने पार्ट्स में कितने टाइप की मैम, कैन ह्यूमंस, क्या है बच्चा, बच्चे वर्बली बोल दिया करो ना यार, मेरे को मैसेज के लिए ना एक्चुअली पीछे जाना पड़ता है। मैम कैन ह्यूमंस बी एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलेटरल ऑर्गेनिज्म, बायोलेटरल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ह्यूमंस का हो सकते हैं ना उर्वशी, कि अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल को फीचर को कंसिडर करें, एनाटॉमिकल फीचर्स को नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ह्यूमंस को यहां से ऐसे काटोगे, ठीक है, वो दो इक्वल पार्ट में कट गए,
बायलेटरल सिमेट्री है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट क्या अगर हम एनाटॉमिकल पार्ट्स को लें तो वो बायलेटरल हुआ? क्योंकि हमारे पास क्या हर एक ऑर्गन दो दो हैं? नहीं मैम, बाहर वाले दो दो हो सकते हैं, बट अंदर वाले क्या, लीवर एक है, स्टमक एक है, एक साइड में है, और किडनी को कह सकते हो कि हाँ ठीक है किडनी दो हमारे पास पार्ट में, बट हर एक ऑर्गन हमारे पास दो दो नहीं प्रेजेंट है, राइट? यस मैम। तो मॉर्फोलॉजिकल आप कह सकते हो कि यस ह्यूमंस जो है हमारे बायलेटरल में आ जाएंगे। चलो अब जर्म लेयर की कहानी हम पढ़ रहे थे, वन सेकेंड। चलो जी, जर्म लेयर को भी ऐसे समझ लो, ठीक है? जर्म लेयर्स क्या है मैम, कि हमने ना बहुत कौन बोला ये, कैलाश जी इतना लेट का है ज्वाइन की हो भाई, सॉरी मैम लेट हो गया। बच्चा जी टाइम से आया करो, कल आपकी जो क्लास है 5:30 बजे से है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो बता दो मुझे, क्योंकि एक ही क्लास होगी, रिविजन क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अभी आपको कंटेंट दिखा चुकी हूँ मैं, इट इज वेरी 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 ब्रॉड एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि वो सब कवर कर लेगा, बट आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? चलो अंजलि जी, आपको प्रॉब्लम है या नहीं? चलो जर्म लेयर्स की बात करते हैं। जर्म लेयर्स की कहानी क्या है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या मैम, कि ये रहा हमारा जाइगोट, अगर आप बात करो तो ओवम, ठीक है, और ये रहा हमारा क्या, स्पर्म, ठीक है। ये फ्यूज किए मैम, क्या बनाया, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाया। जाइगोट कैसा, थोड़ा सा साइज में बड़ा बड़ा है, बट ये जाइगोट जो है ना, आपको पता ठीक है, ये जाइगोट आगे चल के जब हमारे, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म बनता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, जब वो मॉम्स की वॉर्म में होता है, फीटस, ठीक है, पूरा का पूरा जो फीटस होता है हमारा, वो क्या होता है, उसके पूरे के पूरे ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट क्या, इन कुछ जाइगोट से ही बनके, मतलब इस जाइगोट से ही बनके होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट ना आगे, अभी हमारे जब आप लोग सॉरी 12th में आओगे ना, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे ना, एक वर्ड है आता है ब्लास्टोमियर, ठीक है, अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। ब्लास्टोमियर होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स कैसे मैम, सेल्स ऐसे कि मैम जो ये हमारा जाइगोट है ना, ये आपको पता है सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है, भले ही डिप्लॉयड है नेचर में, बट इट इज सिंगल सेल्ड। इसके अंदर ना डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन, और ये 16 सेल में अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे करके आप पढ़ोगे कहानी, बट वो पढ़ोगे 12th में। मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है आपको समझाने का, वो ये है मैम, कि हमारा जो ये ब्लास्टोमियर है ना, आगे जाके जब डेवलप करेगा तो ये ऑर्गेनिजम्स में कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि ये रही आउटर लेयर, ये रही इनर लेयर, सॉरी ये मिडिल लेयर, ठीक है, और इसके अंदर हमारी होगी इनर लेयर, दो सेकंड बस। कि अब इन वो तीन जो लेयर्स है ना, इन तीन लेयर्स से हमारा पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या क्या नाम है इनके बच्चा जी, इनको मैम हम बुलाते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर इसे हम कहते हैं मीजोडर्म, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। अब ये जो है ना पर्टिकुलर, सारे के सारे अलग अलग ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये तीनों मिलके मैम ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट करेंगे, और ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट मतलब क्या, आगे चल के ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट, ठीक है। चलो जी मैम, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब आता है एक सीलम वाला पार्ट, सीलम वाले पार्ट को हम वहीं पे देखेंगे, क्योंकि सीलम वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है, क्यों लगता है आई डोंट नो, बट मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। अब क्या आता है हमारा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पे हम किसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन में उसको डिवाइड कर देते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन का मतलब कैसे, कि ये आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी पूरी की पूरी बॉडी क्या ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, देखे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, बोलो बोलो। हाँ जी मैम बिल्कुल, देखो अर्थ वॉर्म, नेरेस, ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी पूरी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब कुछ में क्या है, ये तो आपको बाहर से दिख रही है, इनको कहते हैं हम एक्सटर्नल सेगमेंटेशन,
राइट, कि इनकी पूरी बॉडी बाहर से डिवाइडेड है, हमको दिख रही है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन। क्या कहते हो बच्चे? इंटरनल, जो बॉडी के अंदर में हो रहा हो। अब टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट इज योर नोटोकॉर्ड, जो कि बहुत ही गजब का और इम्पोर्टेंट पार्ट है। नोटोकॉर्ड आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम है, प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अपने में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन सब में है, ये एक नोटोकॉर्ड और दूसरा है सीलम, ठीक है। क्योंकि ये इनको ना समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी चीजें जो है वो आपको समझ में तुरंत आ जाती है, ठीक है। जैसे उनका क्या है ना, उनके पास उनका डायग्राम है, और नोटोकॉर्ड का अगर डायग्राम बनाओ कि मैम क्या नोटोकॉर्ड का डायग्राम नहीं है, नोटोकॉर्ड का डायग्राम तो है, बट पता है मैक्सिमम लोग को वो भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे करके होता है नोटोकॉर्ड का डायग्राम, ठीक है। ये एक हॉलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या बोलते हैं, क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक और ऑर्गेन भी होता है जो नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से ही आपको दिखता है नोटोकॉर्ड का। अगर डायग्राम होगा ना, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे, अगर आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके का डायग्राम बना है। ये पोस्ट एनाल टेल है, ये गिल स्लिट्स हैं, ये जो येल्लो वाला पार्ट बनाया ना मैंने, दिस इज योर नोटोकॉर्ड, ठीक है। बट ह्यूमंस में कैसे, अब इसको ह्यूमन से कैसे कोरिलेट करोगे, कि ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड कब होती है, जब वो बच्चा जो होता है अपनी मॉम के वॉर्म्स में होता है, ठीक है, जब वो फीटस होता है। बट जैसे जैसे वो मेच्योर होता है, तो वो नोटोकॉर्ड की जगह कौन ले लेता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड इन ह्यूमंस इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। चलो, अब जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें एब्सेंट होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो इस बेसिस पे हम कौन सी कैटेगरी में आए? टाइम पे ही भले, बट कॉर्डेट्स, सॉरी नोटोकॉर्ड जो थी वो प्रेजेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। देखो जी, यही सारा चीजें जो था, जिस बेसिस पे हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल बॉडी, सिमेट्री के बेसिस पे, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, वही सिलोमेट या असिलोमेट, फिर जर्म लेयर्स, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने मिस कर दिया था, सो सॉरी, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू, ठीक है। ये सारे पार्ट्स के बेसिस पे हम अपना सारे के सारे एनिमल्स का पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अयो मैम, इतनी गंदी स्लाइड आपने कर रखी है। चलिए जी, पूरी की पूरी स्लाइड्स को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, कैसे जी, जस्ट वन सेकेंड। देखिए जी, हमने ये वाला पार्ट क्या नहीं पढ़ा है अभी, स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने सारा का सारा जो पार्ट है वो पढ़ रखा है। बट आपको करना क्या है, दोबारा से ये सब देखना है। चलो जी, कैसे देखना है बच्चा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पहला है सेल्यूलर लेवल। बट खुद से एक बात बताओ मुझे, जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, हमने वो चैप्टर पढ़ा था, हमने वो पार्ट पढ़ा था, उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, तो क्या हम लोगों ने जब एनिमल्स के कैरेक्टर्स देख रहे थे, अपनी अगर एनसीईआरटी में चैप्टर 2 खोल के बैठोगे भी, उसमें भी देखोगे, जब क्या हम एनिमल्स के जब कैरेक्टर्स देख रहे थे, तो उसमें कहीं दिखा रहा था कि एनिमल्स जो है वो सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं? बोलो बोलो, क्वेश्चन समझे आप, क्या कहीं पे ऐसा दिखा रहा था कि एनिमल्स आर यूनिसेलुलर? नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो मैम, इस सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, कोई बच्चा क्लास का, सेलुलर लेवल का मतलब क्या है? बिल्कुल सही हो वशी, ठीक है, लगभग आप सही पकड़े हो। इस सेलुलर लेवल का मतलब ये हुआ मैम, कि ये नहीं है कि एक हमारा जो एनिमल है वो सिर्फ उसकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल की मिलकर बनी हुई है। सेलुलर लेवल कहने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे पास होगा जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी होगी। सेलुलर लेवल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो सकता है सिर्फ कुछ सेल से ही, कुछ सेम टाइप के सिंगल टाइप के सेल से ही मिलके बनी होगी, ठीक है, कुछ ऐसे करके टाइप के सेल से ही मिलके बनी होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, सेलुलर लेवल। सेल्स जो है हमारे कैसे हैं, लूज एग्रीगेट्स में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है बच्चा जी,
लूज एग्रीगेट में प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। और ये हो सकता है कि इसके आजू बाजू क्या ऐसे करके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर सेलुलर लेवल, ठीक है। समझ में आया सेलुलर लेवल का मतलब क्या समझा रही हूं मैं आपको बस इतना सवाल समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सारे के सारे एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स आर नेचर में कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर मतलब कि भिन्न भिन्न टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि यूनिसेलुलर हो, बट यस कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सिंगल काइंड के सेल से मिले के बने हुए हैं, कैसे, एक लूज एग्रीगेट के फॉर्म में। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, नो एनिमल इज यूनिसेलुलर, ठीक है, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ लूज सेल एग्रीगेट्स। क्या ये बात सब लोग के समझ में आ गई है, या कोई भी चाहता है कि मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं? No, ma'am. क्लियर हो गया ना? मैम एग्रीगेट्स क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड बच्चों, तो तुम्हारे क्लास की अटेंडेंस देख लो। आज डेट क्या है? 28 कल भी आपकी क्लास हुई थी ना? यस मैम। ओके, कल की जनसंख्या भी लगभग ऐसी ही थी ना? चलिए ठीक है। चलो, लूज सेल एग्रीगेट का मतलब बच्चे मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे हम लोग हैं या कोई भी एक छोटा सा भी आप ऑर्गेनिज्म लोगे ना, जैसे आपने एक कॉकरोच को ही ले लो बच्चे, ठीक है, तो कॉकरोच स्ट्रक्चर है ना, वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चे? अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है। बट कोई मतलब अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ना पॉलीफेरा से, उस टाइम पे आप देखोगी कि लूज सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसकी पूरी की पूरी बॉडी क्या है हमारी, किससे मिलकर बनी हुई है? सिर्फ एक टाइप के सेल से बनी हुई है, ठीक है। क्या बनी है? सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है। तो वो सेल क्या है ना, आपस में कैसे एक एग्रीगेट, मतलब क्या होता है एग्रीगेट, कैसे समझाऊ मैं आपको, मैं बता दूं। देखो तुम पता क्या करो, थर्माकोल होता है, थर्माकोल जानती हो, ठीक है, थर्माकोल्स में क्या कर लो, थोड़ा सा ना, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्लू लगा दो, ठीक है, थर्माकोल्स में थोड़ा सा ग्लू लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, बस आपस में पास में चिपके रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेट, ठीक है। अब समझ में आया एग्रीगेट मतलब क्या हुआ? यस मैम। ठीक है, तो एग्रीगेट मतलब दैट, ठीक है, कि सारे एनिमल्स जो हैं हमारे मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन जो सेल है तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, बट वो कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो नो एनिमल इज यूनिसेलुलर, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ लूज सेल, ऑफ लूज सेल एग्रीगेट्स। अब तीसरा बात क्या कह रहा है ये, सॉरी दूसरा क्या है, टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। टिश्यू लेवल में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो है मिलके एक पर्टिकुलर काइंड का जो टिश्यू वो बनाते हैं कॉम्पोजिशन, उसे हम कहते हैं टिश्यू। अगर डेफिनेशन पे जाना है तो ये देखो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। टिश्यू क्या है बच्चा जी? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। क्या होते हैं टिश्यू? एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं और परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन को, ठीक है। अब ये सारा का सारा चीज आपने पढ़ा हुआ है, ट्रस्ट मी, बस जहां जहां मैं बोल रही हूँ ना वहां वहां थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ। स्लाइड दिख रही है ना प्रॉपरली आपको मेरे अकॉर्डिंग? अगर आप अपना फोन ऐसे साइड से, यस मैम, एक बार अपने फोन से देख लूं कितना दिख रहा है। आप लोग भी अपना वो जो चार लोग वाला है वो हटा देते होगे ना? हाँ, सिर्फ मैं आ रही होंगी इसमें, ठीक है, पूरे दिख रही है यार, पूरा ही विजिबल है प्रॉपर, मेरे को भी गायब, मैं गायब नहीं होंगी ना उसमें? चलो ठीक है, लगभग अगर, हाँ ऐसे अगर देख रहे हो आप तो मेरे हिसाब से तो पूरा ही दिख रहा है, ठीक है। बस मुझे यही कंफ्यूजन था कि पता नहीं बच्चों को दिखता है या नहीं दिख रहा है प्रॉपर।
चलिए जब आप प्रॉपर दिख रहा है तो हम इसी से पढ़ सकते हैं. क्या कह रहे हैं ये कि टिश्यूज आर अरेंज्ड इन सर्टेन मैनर टू फॉर्म व्हाट ऑर्गन्स. हमारे जो टिश्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एसोसिएट होके क्या बनाते हैं बच्चा, दे मेक ऑर्गन सिस्टम. क्या मतलब, मतलब ये मैम कि अगर अब आपको मैं कैसे समझाऊं, एक नया पेज लेके थोड़ा साफ सुथरा किया जाता है, ठीक है, कि हमने क्या किया, एक टाइप का टिश्यू लिया. टिश्यू मतलब कैसे मैम, सपोज के लिए हम लोगों ने लिया बच्चे कार्डियक सेल्स, ठीक है, फिलहाल के लिए हमने क्या ले लिया मैम, कार्डियक सेल्स ले लिए. कार्डियक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, कार्डियक सेल मैम हमारे हर्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो ये वाला जो सेल्स होगा ये क्या है हमारा, ये जो कार्डियक सेल्स हैं दे आर व्हाट, दे आर, हम लोग बोलने में हमारे आता है वो कार्डियक सेल, बट वो एक्चुअली क्या है, टिश्यू है. क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हमारे हर्ट के टिश्यूज को या हर्ट के सेल्स को बना रहा है, ठीक है. क्या कार्डियक सेल कहीं और पार्टिसिपेट करेगा, नहीं मैम कहीं नहीं करेगा. उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा क्या, नर्व सेल या फिर क्या बोलते हैं इसे, न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन्स पढ़े, कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम में, ठीक है हमारे. तो क्या वो नर्वस सिस्टम वाले सेल्स हमारे हर्ट वाले हर्ट में प्रेजेंट होंगे, तो यही हमारे टिश्यूज होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड का ऑर्गन बना रहे हैं. कि कार्डियक सेल्स मिलके, क्योंकि हम पता मतलब सुनने में भी अजीब लगता है और बोलने में भी कि कार्डियक टिश्यू है ये, बट तुमको डीप इनसाइड पता है कि वो कार्डियक सेल्स जो हैं वो हमारा सेल्स का कॉम्पोजिट मतलब ग्रुप है जिसको हम टिश्यू कह सकते हैं. बट हमको वो क्या कहते हैं ना, वो फ्लो में आता है कार्डियक सेल्स बोलना, कि वो हमारा हर्ट सेल बना रहे हैं. जितने भी नर्व सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं मैम, वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं. इसी तरीके से और भी जो किडनी विडनी के सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह आपने सुना होगा पक्का, नेफ्रॉन किडनी, यस मैम, कहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं, किडनी, किडनी फिल्ट्रेशन विल्ट्रेशन के काम में करते हैं. इस चैप्टर को भी जब पढ़ोगे ना, और अगर मैंने ही आपको पढ़ाया तो मजा आ जाएगा पढ़ के, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. चलो तो मैं यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, कि हमने बना लिया टिश्यू से ऑर्गन. कौन सा ऑर्गन से, सबसे पहले हमने बना लिया हर्ट, ठीक है. अब गंदी तो है, थोड़ी सी और ही गंदी कर देते हैं. इस एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया हर्ट. आपको पता है हर्ट में क्या है, कार्डियक सेल. क्यों कार्डियक सेल है, क्योंकि कार्डियक सेल को ही आती है ब्लड की पंपिंग करना, और किसी को नहीं आती है. फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको समझाना है, क्योंकि आपको मैम को भी समझाना होगा ना, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा. कौन बोल रहा है ये, उर्वशी जी म्यूट करिए अपने आपको. चलो फिर आ गए हमारे क्या, नेफ किडनी. किडनी में हमारे क्या बना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन को ही मैम फिल्ट्रेशन आती है. इतना लिख लोगे एग्जाम में, यस मैम, है ना, यस मैम. आप लंग्स की बात करोगे तो लंग्स की कहानी क्या है, लंग्स में प्रेजेंट है हमारे कौन से सेल्स, एल्वेलर सेल्स. ये मेरा ना बोलने में हमेशा टंग ट्विस्ट हो जाता है, बस समझो, एल्वेलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है जी. चलो जी मैम, अब हमको और टिश्यू तो हमें पहले से ही क्लियर हो गया था, ऑर्गन भी मैम हमको क्लियर हो गया, और हम तीन एग्जांपल देख के अपनी मैम को भी समझा के आ जाएंगे. अब ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं बच्चा जी, ऑर्गन सिस्टम. कौन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के देखो, ये मैंने चार पांच सिस्टम लिखे हैं यहाँ पे, चार सिस्टम लिखे हैं. आप भी वैसे ही सिस्टम लिखना, उनका फंक्शन लिखना, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं वो लिखना. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, एल्वेलाई, ठीक है, ये सारे आते हैं. और इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना. फिर आता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. उसमें कौन से आते हैं हमारे मैम, हर्ट, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ठीक है. ये एवीसी मैंने लिख दिया, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, पढ़ा होगा इतना. और ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन का मेन काम जो आप लिख के आओगे ना एग्जाम में, दैट इज कि वो मैम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, ठीक है. अगर आप चाहते हो तो मैं इसको अलग से भी लिख दूंगी, बट जूम करके कर लेना यार, हो जाएगा, ठीक है. लास्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या,
टेस्टीज, यूरेट्रस और ये क्या बोलते हैं ओवरीज, ये सारी चीजें आती हैं और उनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, फर्टिलाइजेशन को स्टेबल बनाना और बेबी का डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब एक चीज उन्होंने क्या नोट करी है कि ऑर्गन सिस्टम में ईच एंड एवरी सिस्टम परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर एक सिस्टम का हमारे पास क्या है, एक कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है उसके प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आगे जाओ, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, कहाँ पहुंचे हम, हाँ पहले पीछे आ जाए। ठीक है, देखो अब आपको ये सारा टॉपिक क्लियर है बिल्कुल, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है और लिखना क्या क्या है इनमें। यस मैम। ठीक है, चलो जी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब एक पार्ट रहता है हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली क्या होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक इनकम्प्लीट एक कम्प्लीट। इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है मैम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से में पाए जाएंगे, पहली बात तो ये सीख लो कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मैम जितने भी प्रिमिटिव फाइलम होंगे ना, स्टार्टिंग ग्रुप वाले फाइलम, उनमें प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मैम वहां पे सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जस्ट वन सिंगल ओपनिंग, और वो ही फंक्शन करेगी एज अ माउथ एज वेल एज एनस। वहीं से आप क्या बोलते हैं, स्वैलो भी करते हैं फूड और एक्सक्रीट भी करते हैं फूड, तो दोनों काम एक सिंगल ओपनिंग कर रही है, और ये भी आप देखोगे सबके एग्जाम्पल। और कंप्लीट ऐसे सिस्टम कैसे, जैसे हम या कह लो कि आप एडवांस वाले जो फाइलम होंगे, जो लास्ट वाले, उनमें हमारा ये वाले होंगे। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट ओपनिंग होंगी, माउथ एंड एनस, दोनों के अपने अपने फंक्शन होंगे। अब आता है हमारा कहानी क्या और आपका होमवर्क क्या, पहला, ठीक है, आज की क्लास का। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अभी कल वाला होमवर्क नहीं देखूंगी, मैं अभी सबसे पूछने वाली हूँ, मुझे पता है मैंने कल आपको कुछ काम दिया था करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मैंने आपको बता दिया था कि ओपन और क्लोज होता है, ह्यूमंस आते हैं क्लोज में, बट आपको पता करके आना है कि ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। इतना मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमंस में क्लोज प्रेजेंट है। कोई बच्चा जो जानता है अभी से क्लास में, कोई भी मैम फिश? नहीं, एग्जांपल नहीं बेटा, एग्जांपल नहीं, उसका डेफिनेशन गूगल नहीं करेगा कोई भाई, गूगल करने से मैं बता दूंगी। चलो जी, ये फिर आप कल करके लाएंगे, कल के लिए छोटू सा काम है। ठीक है, चलो जी, आगे लिखा हूँ। चलो अब आ जाओ जी बॉडी सिमेट्री पे, बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे हम, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि आज के आज ही हम इसको सबको ज्यादातर को खत्म कर दें। मैम सॉरी, लेट आने के लिए, फोन डेड हो गया था, 2% है। मनीष जी फोन चार्ज करके रखा करो यार, हम लोग भी चार्ज करके रखते हैं फोन। चलिए जी, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री की कहानी क्या है, सबको पता है बॉडी सिमेट्री की कहानी क्या है, हमने पढ़ ली है। ठीक है, yes. हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को किस बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक ही लिखा हुआ है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये दो पार्ट्स हैं, पहला ये रहा असिमेट्री और दूसरा है सिमेट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, असिमेट्री और सिमेट्री। असिमेट्री वाला मैंने जो आपको ये बताया, देखा मैंने भी कुछ ऐसे डायग्राम बनाया था, है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, पॉरीफेरा का। क्या नाम है इसका बच्चा जी? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को आप कहीं से भी ट्राई कर लो काटने का, दो इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते। तो ये किस में आ गया, ये आ गया मैम असिमेट्री के अंदर। ठीक है, ये आ गया मैम असिमेट्री के अंदर। बट अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री का क्या हो जाएगा, दो टाइप्स आ जाते हैं। पहला आता है रेडियल सिमेट्री, कि आप उसको कहीं से भी काटो, दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या था, सिर्फ एक ही पार्ट से आप काटोगे तभी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वरना नहीं। यही पढ़ा था हमने, जिसका एक बच्चे ने एग्जांपल ह्यूमंस भी बोला था, करेक्ट। चलो जी, अब आपको एग्जाम में समझने से तो कुछ नहीं होगा, लिख के आना है, राइट? तो लिखोगे कैसे इसे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास कितनी डेफिनेशन हो गई है, बॉडी सिमेट्री की अलग, असिमेट्री की अलग, सिमेट्री की अलग, रेडियल की अलग और बाइलेटरल की अलग। पांच डेफिनेशन है, और पांचों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, छुटकू छुटकू सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारा। चलो जी, कैसे जी, आओ जी यहाँ पे देख लो कि अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ मेन एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैम बॉडी सिमेट्री। क्या लिख के आओगे बेटा जी,
दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा बट हो जाएगा ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. उस बेसिस पे हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, असिमेट्री और सिमेट्री. अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ये रही दोनों की डेफिनेशन ठीक है. असिमेट्री में क्या है कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन्स. इतना सा लिख के आ जाओगे है ना. और ये गंदा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, देख लो एक बार फिर से कैसे बनना है. ऐसे ही आप भी बना के आना, गंदा सा ही एग्जाम में ऐसा छोटू सा बना लेना. और ये फेरा ही है ये, कि आप इसको कहीं से भी काटोगे तो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगा ठीक है. दिस इज योर सिमेट्रिकल. दूसरा है हमारा सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल की डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिकल की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ठीक है. एक हाफ को हम कहते हैं लेफ्ट और दूसरा हाफ है हमारा राइट. कौन अपने आप को अनम्यूट करके बैठा है भाई, गुंजन जी म्यूट करिए अपने आप को. गुंजन उपाध्याय अपने आप को म्यूट करो. जब ये थोड़ा होश में आए ना तो उनको बोल देना कि अपने आप को म्यूट कर लें भाई. चलो जी ठीक है, अभी के लिए मैंने तुम सबको ही म्यूट कर दिया है, थोड़े टाइम बाद अनम्यूट करूंगी तो एक बार देख लेते हैं कब तक वो अपने आप को अनम्यूट रखती है, मतलब म्यूट रखेंगी. चलो सिमेट्रिकल वाले में कहां पे आ गए हम, कि सिमेट्रिकल वाले की डेफिनेशन क्या लिखोगी कि ऑर्गेनिजम्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, और वो इक्वल हाफ हमारे कौन से हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों ठीक है. लेफ्ट एंड राइट दोनों ही हम कहते हैं. अब इसमें हमने कौन सा पढ़ा था, रेडियल सिमेट्री. इसी वाली डेफिनेशन में यहाँ पे लाके बस एक लाइन ऐड करनी है आपने, क्या, ऑर्गेनिजम्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन ठीक है. और यहाँ पे बायलेटरल में क्या लिखोगे कि ऑर्गेनिजम्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली एंड ओनली बाय वन प्लेन. इतना सा लिख के आ जाओगे. बताओ जी किसी को अगर दिक्कत परेशानी हो तो मैं पूरा लिख दूं डेफिनेशन, बट मेरे अकॉर्डिंग इतने बड़े तो अब हो गए हो, 11th में आ गए हो कि खुद से लिख सकते हो ठीक है. चलो जी देखें जी अनम्यूट कर दें. गुंजन जी अब अगर आपका माइक खुला ना तो आपको बताएंगे. चलो जी ठीक है, ये रहा हमारा सिमेट्री वाला पार्ट भी खत्म हो गया. अब आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीलम, बट सीलम को ना हम यहां से पहले पढ़ेंगे ठीक है, जो मेरा वाला मेरे वाले नोट्स है ठीक है. देखो और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीलम की क्या है, आज एक हार्ड वाला टॉपिक कर लेते हैं. अगर आपको 5 दोबारा से रिपीट करवाना होगा तो मैं दोबारा से भी रिपीट कर दूंगी, बट आपके दिमाग में बिल्कुल जाना चाहिए. और एक बात और कि बिल्कुल भी इट इज सो मेसी प्रियंका जी, बट यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है. चलिए जी द थिंग इज कि क्या बोलते हैं आपको ये वाला जो पार्ट है पूरा समझ में आना चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है. जितना पार्ट मैं आपसे बोलूं उतना ही पार्ट आपको क्या करना है, समझना है. मैं साथ साथ नोट्स भी बना रही थी, तो मैम रेडियल का आपने क्या बताया था, रेडियल का एंड बायलेटरल का, सॉरी मैम. प्रियंका पता है मेरे ना ऐसे वो यूट्यूब पे व्यूज नहीं बढ़ेंगे, मैं नहीं बता रही, जाके वीडियो देखना ठीक है. या मैम अभी मैं लास्ट में बताती हूँ प्रियंका, 2 मिनट दो मुझे ठीक है. देखो मुस्कान, प्रियंका नहीं, ओ सॉरी मुस्कान, वो प्रियंका जी कुछ ना कुछ बोल देते हैं तो इसलिए उनका ही नाम याद रहता है. देखो अभी मैं आपको पहले सीलम का थोड़ा सा समझाती हूँ. सीलम एक्चुअली क्या है जो आपको समझने वाला है ना, जैसे कि अगर तुम तुम्हारा कोई छोटू भाई बहन होगा ना 4th-5th क्लास का, वो अगर तुमसे पूछेगा ना कि भैया सीलम क्या है तो तुम उसको कैसे समझाओगे ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये रही आपकी कमर ठीक है, और अंदर क्या है हमारी यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है ठीक है. ये क्या प्रेजेंट है हमारा, कुछ ऐसे ही होता है लीवर, या यहाँ पे कह लो हमारा स्टमक प्रेजेंट है, कुछ इस शेप का होता है ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है हमारा स्टमक, या कह लो अंदर इंटेस्टाइन हमारी प्रेजेंट है. कि आपको क्या लगता है अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में जाओ हमारी बॉडी के अंदर में ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमारा जो ये लीवर होगा ये हमारी जो आउटर स्किन है, जो आउटर स्किन है उससे बिल्कुल ऐसे सट के चिपका चिपक के होगा प्रेजेंट? नो मैम नहीं, राइट. तो इसका मतलब है कि कुछ गैपिंग होगी हमारी बाहर की लेयर
और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में. क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो, कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और वो भी कौन से वाले ऑर्गन्स, एक ना एक बहुत ही स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा, गट वॉल. ठीक है, गट वॉल विसरल ऑर्गन्स कहते हैं शायद, हाँ विसरल ऑर्गन्स. ठीक है, विसरल ऑर्गन्स का मतलब होता है बहुत ही जो नाजुक वाले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हर्ट, जैसे हमारा क्या बोलते हैं हर्ट हो गया, और ये हमारा सेक्रेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन, ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन, बड़े नाजुक ऑर्गन्स है. ठीक है, अब क्या मैंने आपको समझाया कि हमारी बॉडी वॉल, क्या कहेंगे इसे बच्चा जी, बॉडी वॉल. ठीक है, और इन सब को, इन सबको आप क्या कहोगे, गट वॉल. क्या कहा जाता है इन्हें, गट वॉल. तो वो जो स्पेस प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी वॉल के और गट वॉल के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर स्पेस, मतलब ये कैसा तुम्हें लगता है कि कैसा होगा, क्या बिल्कुल खाली होगा ये, क्यों, या कोई जेल लाइक, मैम या कोई लिक्विड टाइप में प्रेजेंट है, लिक्विड जो है कुछ वहां पे प्रेजेंट होगा, और उस पर्टिकुलर लिक्विड की लेयर हम क्या कहते हैं, कोई आइडिया, पेरिटोनियल या पेरिटोनियल, हाँ पेरिटोनियल लेयर. ठीक है, समझ में आई है थोड़ी सी कहानी, की गट सीलम को हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब सारे वर्ड्स ना आपको हार्ड लगेंगे. देखो जी, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने के लिए भी बनाई हुई है, कि ये रही हमारी बॉडी, बॉडी वॉल से योर कमर. ठीक है, और ये है हमारी क्या, अंदर का लीवर. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गट या गट वॉल. उसके बीच का जो गैपिंग है ना, दैट इज फिल्ड बाय पेरिटोनियल लेयर. पेरिटोनियल लेयर क्या है मैम, एक फ्लूइड है. क्या है बच्चे जी, एक फ्लूइड है, और उसी फ्लूइड को हम कहते हैं मैम सीलम. समझा पाओगे बिल्कुल और लिख पाओगे एग्जाम में? यस मैम. तो बेसिकली सीलम क्या हुआ, ये सीलम मैम, इट इज अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. हाँ मैम. दूसरा है कि सीलम ही है जो सेपरेट भी करता है हमारी बॉडी वॉल को और गट वॉल को. दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, वन एंड? यस मैम. ठीक है मैम, चलो. हाँ जी सोनिया. क्लियर. अच्छा, मुझे लगा कुछ आप पूछ रहे हो. फिर आगे हमारे फंक्शंस. अब इनका, इन सीलम्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, खुद से सोचो. कि आपको पता है कि वैसे भी दिल्ली में तो वैसे भी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, बस में सबने ट्रेवल किया होगा, राइट? और दिल्ली की बसें भी बहुत झटके लगते हैं, ऐसा सुनने में आया. मैं तो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं किया दिल्ली में. ठीक है, तो हमारे जो नाजुक ऑर्गन है, वैसे भी मतलब भगवान ने उनको क्या किया हुआ है, बहुत ही प्रोटेक्शन से की, मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ है. अगर आप हर्ट की बात करो तो आपको पता होगा कि आगे से रिब्स से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, नीचे से डायफ्रेगम ने, ऊपर से हमारा कौन सा, यहाँ पे कौन सा था, स्टर्नम. ठीक है, ये सब हर्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, राइट? और रेस्पिरेशन में भी जो हमारे लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स भी हमारे बड़े ही विसरल होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है रिब्स के, पूरा ओवरऑल रिब्स बना के. ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एकोमोडेट मतलब कि इनकी एक जगह जो है ना वो फिक्स रहे, एकोमोडेशन समझते हो ना, रहने की जगह देना. ठीक है, तो ये जो विसरल ऑर्गन्स है ना, उनको रहने की जगह जो है, प्रॉपर रहने की जगह, ताकि ये गैपिंग रहे, उसको वो कौन देता है, सीलम देता है. दूसरी बात क्या लिखी हुई है, कि इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. लड़कों में तो वैसे भी बहुत रहता है, ठीक है, कि उनको लड़ाई झगड़े में बहुत मजा आता है. ठीक है, तो अगर हल्का से कहीं गलती से पंच वंच लग जाए, तो वो जो पंच है ना, वो हमारा सीलम तक ही बर्दाश्त कर ले, हमारा जो विसरल ऑर्गन है ना उस पर कम इफेक्ट पड़े. तो वो कैसे काम कर रहा है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा है. और वही काम आप लड़कियों के लिए अगर समझ रहे हैं, तो अगर वही धक्का वक्का कोई दे दे गलती से, या बहुत सारी लड़कियां जो है ना स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहती हैं, हाई जंप या लॉन्ग जंप के टाइम पे, क्या हो कि हमारा जो बॉडी वॉल है और गट वॉल आपस में टकराए ना, उसको जो शॉक को अब्सॉर्ब करने का काम भी कौन कर रहा है, सीलम कर रहा है. तो ये भी क्या, एक तरीके से क्या हो गया, कि ये जो सीलम है, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड ही होता है, लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है फ्रिक्शन को मैम. क्या कर रहा है बच्चे जी, फ्रिक्शन को मिनिमाइज, फ्रिक्शन को कम कर रहा है. ठीक है, कि बहुत कम जो है वो हमारे चोट जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचे. फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि साथ ही साथ ये क्या करता है, मॉइस्ट भी कर रहा है इन ऑर्गन्स को, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है. लिक्विड है तो मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ बनता नहीं है आई गेस. ठीक है, चलो ये साथ, तो मेरा ये अलार्म ना 15 मिनट तुम्हारी क्लास खत्म होने को रह गए, इसलिए चलो भाई
हाँ जी चलो, तो ये रही सारी कहानी हमारी इसकी, आपको सीलम का पूरा कहानी समझ में आ गया। अब सीलम हमारी बॉडी में कितने टाइप्स हैं, ठीक है प्रियंका जी, ये भी बहुत मैसी है बट समझ में अभी सब आएगा आपको, देखना ठीक है। थोड़ा सा मैं साफ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा लगे, बट पूरा नहीं हटा सकते हैं बिकॉज एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है इतना काफी है। चलो अब क्या कह रहे हैं मैम, ध्यान से सुनते जाओ। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेरिटोनियल लेयर क्या है ना? Yes, ma'am. हाँ जी भाई बोल लो, मेरे को तो इतनी शांति दे दी तुमने, मुझे लगा कि गायब हो गए। सबसे पहला वर्ड लिखा था पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। तो अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, क्या आप सारे के सारे जानते हो कि मीजोडर्म क्या होता है? ऑल्दो अभी हमने जर्म लेयर क्लास में, बट समरी तो मैंने आपको समझाई थी मैम, बीच वाली लेयर। थैंक यू वंदना, बिल्कुल सही, ठीक है। जो बीच वाली लेयर है वही से हमारा मीजोडर्म सॉरी सीलम जो है वो आता है। बीच वाली लेयर का नाम क्या है? मीजोडर्म। मीजोडर्म का ही ओरिजिन है सीलम, ठीक है। जैसे अभी आप आगे कल वाली शायद आज की क्लास में कल वाली क्लास में जब हम जर्म लेयर देखेंगे तो आप देखोगे जैसे एंडोडर्म्स होते हैं ना हमारे, एक्टोडर्म्स तो हमारी बाहर की स्किन स्कून बना रहे हैं, मीजोडर्म हमारा सीलम बना रहे हैं, और एंडोडर्म्स में हमारे कौन से जो हमारे विसरल ऑर्गन्स बन रहे हैं, हर्ट किडनी लंग्स, मोस्टली एंडोडर्म्स हमारे उसी का काम करते हैं। तो ये हमारे क्या काम कर रहे हैं, मीजोडर्म से सीलम हमारा बनता है, ये बात याद रख लेना। जर्म लेयर का कौन सा वाला लेयर इन्वॉल्व होती है सीलम के उसके लिए, तो मैम मीजोडर्म। अब हमारे सीलम के बेसिस में हमने पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन तीन पार्ट्स में, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। खुद से सोच के बताओ, जो हमारे ये छोटे प्रिमिटिव ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो हमारे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ जो स्टार्टिंग वाले ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या उनको सीलम की जरूरत होगी? नो मैम, कब होगी? ठीक है बहुत कम, नहीं भी होगा सीलम तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी के लिए आपको ना एक वर्ड बात याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो ये है मैम कि सीलम इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियल लेयर। सीलम इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियल लेयर, जो कि एक लिक्विड है या फ्लूइड है, ठीक है ये बात बिल्कुल रट लो। अब असीलोमेट का मतलब क्या है कि मैम, ये जो असीलोमेट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलम एब्सेंट है, नहीं। असीलोमेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सीलम तो है बट हमने क्या सीखा है कि सीलम बनी होती है पेरिटोनियल लेयर की, बट असीलोमेट जो हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें जो सीलम बनी होगी ना वो बनी होती है मैम मैट्रिक्स से। किससे? मैट्रिक्स से। और मैट्रिक्स में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स में कौन से टाइप के सेल होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स समझते हो ना, ये वाले सेल्स। अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं आपको, अंदर वाला पार्ट सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है कम दिख रहा है, ठीक है ग्रीन में मुझे एक्चुअली कम दिख रहा था ना, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स मतलब सिंपल ये ऐसे वाले सेल्स, ठीक है जस्ट ये सिंपल सेल्स से बनी हुई है। तो ये क्या फ्लूइड हुई हमारा, ये लूजली पैक्ड है बट पैम फ्लूइड नहीं है ये, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं असीलोमेट, जिसमें जो हमारा सीलम है वो किसका बना हुआ है, वो मैम मैट्रिक्स का या पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। और किन ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है? पॉरीफेरा में या फ्लैट फॉर्म्स जो है उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा आ गया हमारी कैटेगरी कौन सी, सीडोसीलोमेट। सीडो का तो मतलब ही आपको पता है, सीडो मतलब फॉल्स, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो अभी से सीख लो इसका मतलब कि सीडो अभी अब ना आगे से जब यूज करोगे तो सीडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि झूठी सीलोमेट है इसके पास, झूठा सीलम है इसके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब भी ये हुआ कि यहाँ पे भी मैम पेरिटोनियल लेयर तो नहीं होगी, करेक्ट? समझ में आ रहा है? मैंने कहा था ये वाला पार्ट थोड़ा yes, ma'am. करना होगा, ठीक है। अभी एक बार लेट मी कंप्लीट, मैं एक बार पूरा कंप्लीट करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। सीडो सीलोमेट्स का मतलब मैंने आपसे क्या बोला, सीडो मीन्स फॉल्स। ये जो आगे का वर्ड है ना सीडो, उसको आधा आधा तोड़ दो। सीडो मीन्स होता है मैम फॉल्स, मतलब कि झूठा। और सीलम मतलब क्या है? सीलम को हमने पढ़ा है कि मैम पेरिटोनियल लेयर होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि झूठी पेरिटोनियल लेयर है। झूठी पेरिटोनियल लेयर का मतलब क्या हुआ कि मतलब पेरिटोनियल लेयर तो नहीं है मैम, ठीक है। अब पेरिटोनियल लेयर नहीं है तो कुछ और तो प्रेजेंट होगी, तो वो कुछ और क्या है मैम? वो कुछ और है हमारा ब्लास्टोसील। और सीलोमेट में जो सीलम है वो कौन है? मैट्रिक्स या पैरेन्काइमेटस सेल्स। सीडोसीलोमेट्स में कौन है? ब्लास्टोसील,
जो है वो हमारी सीलम बन जाती है। यहाँ पे भी पेरिटोनियल लेयर एब्सेंट है और इनका एग्जाम्पल कौन है, राउंड वॉर्म। कौन है बच्चे, राउंड वॉर्म। और अब इतनी देर में मैंने 10 बार बोल चुका है पेरिटोनियल लेयर, पेरिटोनियल लेयर, जो नोट्स बना रहे होंगे उनको तो रट गया होगा, ठीक है, कि अब सीलोमेट्स में हमारा क्या आएगा, यू सीलोमेट्स कहते हैं इन्हें या ट्रू सीलोमेट्स कहते हैं, जिनमें हमारी पेरिटोनियल लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी, मतलब हमारा सीलम प्रेजेंट होगा। एनालिडा से लेके मैमल्स, मतलब हमारे तक में क्या प्रेजेंट होती है, यू सीलोमेट या सीलोमेट। बताओ जी, क्या इतना चीजें आप लिख पाओगे, समझ में आ रही है चीजें आपको? Yes, ma'am. थोड़ी सी हार्ड पड़ गई, मैंने आपसे कहा था कि मतलब बिगनिंग इसकी इजी लगेगी, वो मैं इजी करवा देती हूँ, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड नहीं है। बट अगर ना आप जैसे आंख बंद करके ऐसे बैठो ना, कि अगर आप मन में रिवाइज करो कि असीलोमेट मतलब कि जो सीलम है वो हमारी मैट्रिक्स से मिलके बनी हुई है, मैट्रिक्स मीन्स पैरेन्काइमेटस सेल्स। फिर सीडोसीलोमेट होता है हमारा, सीडोसीलोमेट्स में भी मतलब फॉल्स सीलम है, तो फॉल्स सीलम हमारी किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है मैम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील की। ब्लास्टोसील हमारा जो आता है लास्ट वाला यू सीलोमेट, या फिर जिसे हम सीलोमेट कहते हैं, वहां पे हमारी पेरिटोनियल लेयर प्रेजेंट है, और सबके एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे अगर आप याद करते हो ना तो आपको चीजें रट जाएंगी, ठीक है। प्लीज एक बार घर जाके प्रैक्टिस जरूर करना, प्रियंका जी रटेंगी रटेंगी, हम 100% श्योर। देखो इसका मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो डायग्राम है हमारा, जो ये आपको दिख रहा है अंदर, ये कोई भी गैप नहीं है, और सीलम मतलब क्या हुआ कि देयर शुड बी सम फ्लूइड, ठीक है। और फ्लूइड कैसा होता है, वो कभी भी ऐसे कंप्लीटली या डेंस पैक्ड नहीं होता है, जैसे हमारा ये क्या बोलते हैं, ये वाला पर्टिकुलर वाली जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारी, वो पैक्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इसलिए डेंसली पैक्ड है। फिर हमारा यहाँ पे दूसरे में ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील में अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है कि कुछ जगह पे पैक्ड है और कुछ जगह पे पैक्ड नहीं है, ठीक है। बट अगर हम यू सीलोमेट्स में आए तो ये पर्टिकुलर जो कवरिंग आपको दिख रही है ना, वन सेकेंड, ये वाली जो पर्टिकुलर कवरिंग दिख रही है ये हमारी ट्रू सीलम की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारा भरा है पेरिटोनियल लेयर से एक काइंड के फ्लूइड से, ठीक है। आर वी क्लियर नाउ, मैं मान सकती हूँ कि सीलम समझ में आ गया है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, हो गया। क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे, ठीक है। यही दो पार्ट है इसके, अब आ गई ये लास्ट, इसको भी कर ही ले, जर्म लेयर को भी, फिर नोटोकॉन सेगमेंटेशन बचेगा, आई गेस हम वो कल कर सकते हैं, बट अगर चाहो तो आज ही क्लास में कर सकते हैं, बट अगर कोई रिपीट ना करवाए तो बट वो तुम लोग को बीमारी है रिपीट करवाने की। चलो जर्म लेयर को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन नहीं मिटा रही हूँ, बाकी सब हटा देती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब साफ सुथरा लग रहा है प्रियंका? Yes, ma'am. प्रियंका बोलते है, सोचती होगी ये मैम मेरे पीछे पड़ जाती है। अच्छा लगता है मुझे नाम एक्चुअली है ना ये। चलो देखो जर्म लेयर्स क्या है बच्चा जी हमारी, जर्म लेयर्स आर नथिंग बट द लेयर्स फ्रॉम विच बॉडी ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड। मैंने भी आपको उस टाइम यही बताया था कि हर एक बॉडी ऑर्गेन जो हमारा फॉर्म होता है ये जर्म लेयर की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है, कहीं और से कंफ्यूज ना हो जाना। तो द जर्म लेयर इज व्हाट, द लेयर फ्रॉम विच बॉडी ऑर्गेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब वो बॉडी ऑर्गेन हमारा इंटरनल है या एक्सटर्नल है, या फिर हमारा समहाउ कहीं बीच का जो गैपिंग है उस पे जो है, तो वो हमारा यही जर्म लेयर डिसाइड करेंगी। अब जर्म लेयर्स के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, तीन टाइप्स की जर्म लेयर्स होती हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एक्टो मींस बाहर वाली लेयर, ठीक है, आउटर लेयर, ठीक है। मीजो मींस मिडिल लेयर, और एंडो मींस, ठीक है। अब कहानी क्या आ रही है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने क्या किया है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन से दो पार्ट्स मैम? पहला पार्ट है हमारा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब डाई सही समझ लो, दो,
कि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी. कौन सी लेयर्स होंगी, कौन सी कुर्बानी देगी अब यहाँ पे, हमारी मेसोडर्म वाली. तो डिप्लोब्लास्टिक में हमारी कौन सी लेयर्स होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा मैम, तीनों ही होंगी, एक्टो मेसो एंड एंडो, ठीक है. अब यहाँ पे कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते होंगे, डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस, बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. जितने भी प्रिमिटिव ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, नहीं मैम, छोटी सी बॉडी होती है, लगभग उनका सिंपल वाला सिस्टम रहता है, ठीक है. बल्कि हमारा जितना भी एडवांस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ठीक है. बट प्रिमिटिव ग्रुप की बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सिंपल, ठीक है, कह सकते हो आप, है ना. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे लेयर्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, दो ही लेयर्स में काम चल जाता है, बल्कि हमारी बॉडीज में तीनों लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है. अब प्रिमिटिव में कौन आते हैं, स्पॉन्जेस, मतलब पॉरीफेरा से लेके सीलेंट्रेटा तक हमारे आते हैं डिप्लोब्लास्टिक में. और फ्लैट वॉर्म, मतलब कि क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा के बाद कौन सा ग्रुप आता है, प्लैटीहेलमिंथीस, देखना एक बार, ठीक है. प्लैटीहेलमिंथीस से मैमल्स तक आते हैं हम, उसमें आती है हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक. बिल्कुल क्लियर हो गया आपको ये पार्ट? यस मैम. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या जाता है, जहां से आपके बनते हैं नीट के क्वेश्चंस, ठीक है. 100% हर ईयर एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, उठा के देख लेना पेपर. कौन सा, कि एक्टोडर्म जो है हमारा, जिसको हमने इनर लेयर कहा, ठीक है, वो कौन से ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है, वो मैम हमारे कौन से ऑर्गन्स बनाता है. तो वो बनाता है मैम लंग्स, थायराइड और डाइजेस्टिव सेल. मैंने आपको बताया था ना, इनर ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो ये बना रहे हैं. फिर आ गया हमारा मेसोडर्म या मिडिल लेयर, वो कौन से ऑर्गन्स बना रहे हैं, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ट्यूब्यूल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और स्मूथ मसल्स जो हैं, वो हम बनाने का काम हमारे मिडिल लेयर का है या मेसोडर्म का है. और एक्टोडर्म हमारा बना रहा है बाहर वाला सारा, स्किन का, नर्व्स का एंड पिगमेंटेशन, मतलब मेलानिन पिगमेंट को. क्लियर हो गया ये पार्ट पूरा? यस मैम. ठीक है, तो अब हम कल की क्लास में करेंगे नोटोकॉर्ड. अच्छा, ये मुझे ये वर्ड नहीं याद आ रहा था, नर्व कॉर्ड. ठीक है, ऐसा डायग्राम मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, और इतना ही है भी तुम्हारा नोटोकॉर्ड. अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे, मैं यूजुअली सबसे कहती रहती हूँ एनसीईआरटी खोल के बैठा करो, खोल के बैठा करो, तो आपको इतना ही डायग्राम दिख रहा होगा. ठीक है, ये भी बहुत ही छोटा है, अगर चाहो तो मैं एक मिनट में खत्म कर सकती हूँ इसको भी, या बोलो तो कल से ही करें. कल से ही करें, कल हमारा स्टार्ट होगा. और फाइलम के लिए भी प्लीज बच्चा लोग पूरा अपना दिमाग विमाग सब खोल के आना. दो दो तीन तीन फाइलम ही हम डेली करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग उसको रटते भी जाओ. क्योंकि सबसे मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अगर कोई बोले ना, जैसे तुम्हारे 12th में क्या बहुत सारे चैप्टर्स को उड़ाया उड़ाया जा रहा है, मुझसे अगर कोई बोल दे कि कौन सा चैप्टर हटा देना चाहिए, तो मैं बोलूंगी भाई एनिमल किंगडम हटा दो, कहते हैं रद्दी चैप्टर है, बकवास चैप्टर जैसे कहते हैं, बहुत ही बोरिंग लगता है. अभी तक वाला जितना पार्ट था ना वो पढ़ाने में अच्छा लगता है. कल नोटोकॉर्ड वाला पार्ट भी अच्छा है, उसके बाद सेगमेंटेशन है वो भी अच्छा है. और देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी बहुत सही तरीके से होगा. मोस्टली सबको चीजें, सारी चीजें तो नहीं, तो हर एक में से पांच चार चार पांच पांच चैप्टर तो याद हो, पॉइंट तो याद हो ही गए होंगे. बट वो वाला पार्ट तो हम लोग क्या बोलोगे कि मैम आपको याद है, बोलूंगी बेटा मुझे नीट नहीं देना, तुम्हें नीट देना है. ठीक है, कल हम लोग आपके दोनों चैप्टर्स का रिविजन करेंगे. इसमें से हर साल आयशा 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल, मतलब एक एवरेज निकाला हुआ है 4 to 5, मतलब जैसे कहते हैं.